हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, तेई इट्स टू लेट, बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। इतने अंधेरे में इतनी दूर ओल्ड हाउस में जाना पॉसिबल नहीं है। अगर बारिश नहीं होता तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, और अब मैं अकेला नहीं हूँ। मैं बेबी के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। तयंग कहता है, क्या मतलब, तुम यहाँ से नहीं जा सकते? रुको, मैं अभी ड्राइवर को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें यहाँ से ओल्ड हाउस लेकर जाएगा। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, जो भी हो, तयंग को मेरे हार्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ गुकी के परवाह है, वो ठीक से रेस्ट करे इसकी परवाह है। तयंग मोबाइल में ड्राइवर का नंबर डायल करने लगता है। तभी जोंगकुक दिल में करवाहट लेकर गहरी सांस छोड़कर पेपर पर कुछ राइटिंग करता है। राइटिंग खत्म होने के बाद जोंगकुक पेपर तयंग को देकर चुपचाप तयंग के परमिशन के लिए इंतज़ार करने लगता है। डोंट वरी, मैं यहाँ खड़े रहकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं अभी अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। इस समय हेवी बारिश में ओल्ड हाउस जाने से अच्छा यही है, हेवी बारिश में बाहर जाना एप्रोप्रिएट नहीं है। तयंग इसे रीड करने के बाद कहता है, ओके। जोंगकुक जाने से पहले तयंग के तरफ देखता है। जोंगकुक मन में सोचता है, यदि तुम मुझ पर अपना प्यार नहीं बरसा सकते हो तो मैं भी तुम्हें मुझे बर्बाद करने नहीं दूंगा। तयंग कहता है, तुम अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो, गो। जोंगकुक सर हिलाकर वहाँ से अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तयंग टर्न होकर जैसे ही अपने कमरे के अंदर पैर रखने वाला था, तभी पीछे से कोई कहता है, हे व्हाट्स अप बड़ी। ए और कोई नहीं, डॉक्टर किम सियोक जिन, जो यहाँ गुकी को चेक करने और उसके ट्रीटमेंट करने के लिए आया है। जिन को देखकर ही लग रहा था कि उसके पास जब तयंग का कॉल आया था, वो बिना कुछ सोचे तयंग के मेंशन आने के लिए घर से निकल गया था। वो इतना जल्दी में था कि उसने अपना कपड़े तक भी चेंज नहीं किया। जिन अभी अपने ब्लैक पाजामास में थे, उसके पैरों में घर में पहनने वाली शूज थे, और ज़्यादातर कपड़े वेट था। तयंग कहता है, नॉट गुड, क्या तुम अपने साथ कार नहीं लाए, तुम्हारे ज़्यादातर क्लोथ वेट है। जिन स्माइल कर कामली कहता है, हाँ मेरे पास कार है, कार से बाहर निकलते टाइम भीग गया होगा, बाहर बारिश बहुत तेज है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जब मुझे तुम्हारा कॉल आया तब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तुमने बताया मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया। चलो तुम्हारे हस्बैंड को चेक कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। सियोक जिन और तयंग दोनों लाइफ एंड डेथ फ्रेंड हैं। जिन अच्छे से जानता है तयंग जोंगकुक को किस तरह से ट्रीट करता है, पर वो ये भी जानता है कि तयंग के दिल में जोंगकुक के लिए फीलिंग्स है, लेकिन तयंग इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। जिन फिर से कहता है, लेट्स गो, ब्रदर इन लॉ को चेक कर लेते हैं, वो तकलीफ में होगा। तयंग जिन के मुंह से जोंगकुक के लिए ब्रदर इन लॉ वर्ड सुनकर गुस्से में आई ब्राउज ऊपर करके उसे घूरने लगता है। जिन कहता है, तुम्हें मेरी एटीट्यूड को देखने की ज़रूरत नहीं है, तुमने उससे शादी किया है तो मैं उसे इसी नाम से एड्रेस करूँगा। तयंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली और पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो? वेल, लेट्स गो इन। तयंग जिन को लेकर बेडरूम के अंदर आ जाता है। गुकी को अब होश आ गया था, लेकिन हाई फीवर के वजह से उसके आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहा था। जिन कमरे के अंदर आकर बेड पर गुकी को देखकर सरप्राइज्ड था, और साथ ही उसे शॉक भी लगा। गुकी तयंग के कपड़ों में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील कर रही थी। जिन इस वक्त तयंग से कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। जिन क्विकली गुकी को चेक करता है, उसके बाद गुकी के बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के बाद फीवर कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देता है, ताकि इसे लेने के बाद जल्दी से गुकी को रिलीफ मिले और फीवर कम हो जाए। जिन मेडिसिन देने के बाद तयंग से कहता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा देर तक बारिश में भीगने से फीवर हो गया है, इसके लिए मैंने मेडिसिन दे दिया है, थोड़ी देर में फीवर कम हो जाएगा और कल सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तयंग कहता है, थैंक्स,
इतनी बारिश में यह आने के लिए। जिन कहता है, इट्स ओके, तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत हो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। गुकी को चेक करने के बाद जिन मेंशन से निकाल ही रहा था जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने मुझे लिविंग रूम में देख लिया। मुझे देखने के बाद वो डिस्टेंस में खड़े रहकर ही स्माइल करके कहता है, बहुत रात हो चुका है ब्रदर इन लॉ किम जोंगकुक, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहा था। जोंगकुक जल्दी से पेपर पर लिखना स्टार्ट कर देता है। राइटिंग ख़त्म होने के बाद जोंगकुक पेपर जिन के तरफ आगे करता है। जिन इसे हाथ में लेकर रीड करने लगता है। आयन के वजह से मैं हमेशा लेट सोता हूँ, तुम्हारे क्लोथ तो पूरी तरह भीग चुका है, गीले कपड़ों में ज़्यादा टाइम तक रहने से तुम्हें कोल्ड हो सकता है, इसलिए अंदर तुम्हारे लिए क्लोथ लेने गया था। बाहर अभी भी बारिश हो रहा है, जाने से पहले तुम अपना क्लोथ चेंज कर लो। मेंशन से निकल कर कार में ध्यान से बैठना ताकि तुम दोबारा बारिश में ना भीग जाओ। जिन पेपर रीड कर फिर से स्माइल करता है। जोंगकुक के हाथ में जो क्लोथ था, जोंगकुक इसे जिन के तरफ आगे करता है। जिन इसे सरप्राइज था कि जोंगकुक उसे पहनने के लिए क्लोथ दे रहा है। जिन के हैंडसम फेस पर एक गहरी मुस्कान आ जाता है। जिन कहता है, नो इट्स ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, मुझे कुछ नहीं होगा, इट डजेंट मैटर। जोंगकुक क्लोथ काउच के ऊपर रखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, डोंट वरी, ये मेरे कपड़े नहीं है, ये तयंग का है, उसने अभी तक इस क्लोथ को एक बार भी नहीं वेयर किया। तुम दोनों लगभग सेम साइज के हो तो आसानी से तुम पर एक क्लोथ फिट आ जाएगा, तो तुम इसे पहन सकते हो। ये कहकर जोंगकुक ऊपर अपने कमरे में आ जाता है। जोंगकुक बहुत थका हुआ था, फिर भी उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या तयंग उस लड़के के साथ सेम बेड पर सोने वाला है, लेकिन उसे तो किसी के साथ बेड शेयर करना पसंद नहीं है। अचानक ये लड़की बारिश में भीगकर यहाँ क्यों आई है, क्या वो तयंग के ज़िंदगी में वापस आना चाहती है। कमरे में उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रहा था, इसलिए जोंगकुक कमरे से बाहर आकर तयंग के कमरे के बाहर वॉक करने लगता है। जोंगकुक स्लोली डोर को ओपन करके देखता है। तयंग काउच पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है और गुकी बेड पर सो रही है और गहरी नींद में है। इससे पहले कि तयंग उसे देख ले, जोंगकुक जल्दी से वहाँ से निकल कर अपने बेडरूम आ जाता है। अंदर आकर उसने वार्डरोब से नाइट क्लोथ निकाल कर चेंज किया और बेड पर आकर लेट गया। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। तयंग वर्क ख़त्म करने के बाद पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आया। पानी लेकर तयंग ऊपर बेडरूम जा ही रहा था, तब वो जोंगकुक के कमरे के बाहर रुककर डोर पर नॉक करने जाता है। तभी उसने देखा कि डोर पहले से ही ओपन है। तयंग कमरे के अंदर आकर देखता है जोंगकुक को, जो ठंड में किसी बॉल की तरह अपने बॉडी को एक साथ करके सोया हुआ था और उसके लिप्स ठंड में कांप रहा था। तयंग गहरी सांस छोड़कर कमरे की एसी को बंद कर देता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद कमरे से बाहर आ गया। जोंगकुक पूरी रात गहरी नींद सोता रहा है। तयंग लिविंग रूम के काउच पर ही सो गया था। नेक्स्ट डे जैसे ही सनलाइट की रोशनी जोंगकुक के आंखों के ऊपर पड़ता है, जोंगकुक नींद से उठ जाता है। उसे हमेशा से अर्ली मॉर्निंग नींद से उठने की आदत है। जोंगकुक धीरे से बेड से नीचे उतरा। उसके बाद उसने अपने मॉर्निंग रूटीन ख़त्म किया, फिर चेंज करके तयंग के लिए ब्रेकफास्ट मेक करने किचन में आ जाता है। किचन के अंदर एंटर करते ही जोंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है जब उसने तयंग को गुकी के साथ किचन के अंदर देखा। तयंग अपने हॉट सेक्सी बॉडी में ब्लैक कलर के एप्रोन लपेट कर रखा था और इस वक्त तयंग गैस स्टोव के पास खड़े होकर एक फ्राई करने में बिजी था। अभी उसका फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस बिल्कुल भी नहीं था। और गुकी किचन काउंटर के पास बैठकर अपनी चमकती हुई ब्लैक आइज तयंग के हॉट बॉडी के ऊपर घुमा रही थी। उसके डेलिकेट और स्मॉल फेस अभी भी हाई फीवर के वजह से रेड दिखाई दे रहा था। गुकी कहती है, तेयुप्पा आई वॉन्ट टू ईट सम बर्न्ड एग,
ये कहते हुए गुकी बास्केट से फ्रेश स्ट्रॉबेरी उठाकर इसे तैयंग के माउथ के अंदर डालकर हंसते हुए फिर से कहती है, लेकिन इसे ज़्यादा जलाना मत वरना ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। तैयंग जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बस स्ट्रॉबेरी चबाते हुए मोस्ट लविंग आइज से उसे घूर रहे थे। ए हैंडसम मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन, दे आर परफेक्ट मैच। ए सीन कितना भी वार्म और हार्ट टचिंग क्यों ना हो, तैयंग को किसी और के साथ इतने प्यार से रहते हुए देखकर जोंगकुक को उसे जेलासी होने लगता है। उसे अपने दिल में दर्द होने लगा था, अनजाने में ही उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट है ना। वॉयस सुनकर जोंगकुक पीछे मुड़ता है, तभी वो जिन को वह खड़े देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर उसे लास्ट नाइट के बारे में याद आया, काल रात जिन गुकी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया था। हो सकता है होल नाइट बारिश के वजह से तैयंग उसे मेंशन में ही रोक लिया होगा। जोंगकुक के दिए हुए कपड़े जिन को परफेक्टली फिट आ गया था। जिन उसे घूरते हुए देखकर स्माइल करके कहता है, ब्रादर इन लॉ गुड मॉर्निंग। जोंगकुक इशारों में कहता है, मॉर्निंग। जिन कहता है, तुमने सही कहा था, ये सूट मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी बॉडी में अच्छे से फिट भी हो रहा है। जोंगकुक कहता है, हाँ ये सूट मैंने तैयंग के लिए ख़रीदा था पर उसने इसे एक बार भी नहीं पहना। जिन कहता है, एक बार फिर से थैंक यू, और एक बात, पहले मैंने जो कहा उस पर ध्यान मत देना। आई एम जस्ट जोकिंग, तैयंग सिर्फ तुम्हें पसंद करता है। नॉइज सुनकर गुकी पीछे टर्न होकर जिन और जोंगकुक को बात करते देखकर सॉफ्ट एंड डेलिकेट टोन में कहते हैं, जिन उप्पा, मिसेस किम, आप दोनों यहाँ कब आए? देखो तेई उप्पा मेरे लिए वार्न एग बनाने की ट्राई कर रहा है, ते वार्न एग बहुत अच्छा बनाता है, कम एंड जॉइन अस। तेई, तुम डॉक्टर और मिसेस किम के लिए भी बना दोगे प्लीज, दोगे ना? जोंगकुक चकल करता है और इशारों में कहता है, नो नीड, काल रात सोने से पहले ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी मैं सब कुछ रेडी करके फ्रिज में रख दिया था, अभी 5 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, मैं डॉक्टर जिन के लिए ब्रेकफास्ट खुद बना दूंगा। तुम्हें फीवर हुआ है, तुम हमारे बारे में मत सोचो और अच्छे से खाओ और ज़्यादा खाओ, मैं यह बहुत सालों से रह रहा हूँ और तैयंग मेरे हस्बैंड है, वो मेरे लिए कभी भी बना सकता है, ए तुम खाओ। जोंगकुक के बात सुनकर गुकी को अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या हो रहा था। जोंगकुक मन में कहता है, मैं तैयंग के सामने इतना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसे ही किसी को भी अपने हस्बैंड को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरा है। जोंगकुक के बातें सुनने के बाद गुकी के लिटिल फेस बर्फ की तरह जम गया था और उसकी आँखें डार्कन हो गए थे। गुकी तैयंग के पास आकर अपने स्मॉल और नाजुक हाथों से उसके एप्रोन के स्लीप्स पकड़कर खींचते हुए धीरे से कहती है, तेई उप्पा, लगता है काल रात मैं अपनी फीवर के वजह से तुम्हारे और जोंगकुक के नाइट को खराब कर दिया है, मैंने तुम दोनों की रोमांटिक नाइट को डिस्टर्ब कर दिया है, प्लीज़ मिसेस किम को कहो ना कि वो भी हमें ब्रेकफास्ट टेबल में ज्वाइन करे। गुकी क्यूटली अपने लिप्स को पाउट करके कहती है, जस्ट टेक इट एज माई एपोलॉजी, ओके। तैयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, श्योर अनफ गुक, तुम्हें बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिन कहता है, हाँ सच में कुछ लोगों को प्यार पाने के लिए हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कुछ किए उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तैयंग जिन के बात को बीच में काट करते हुए कहता है, और कुछ लोग तो सबके सामने स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव करके अपने वीकनेस दिखा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता। तैयंग का मतलब जोंगकुक से है, क्योंकि जोंगकुक गुकी के वार्ड इग्नोर कर किचन से बाहर चले गए। जिन कहता है, मे बी मुझे तुम्हारे बात कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बिना कुछ किए बहुत कुछ मिल जाता है जिनका कंपेयर दूसरों के साथ नहीं कर सकते। तभी जोंगकुक आयन के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है। जोंगकुक के अपीयरेंस तैयंग के फेशियल एक्सप्रेशन कोल्ड और डार्क कर दिया था, लेकिन उसने जब गुकी को देखा, तैयंग ठंडी आवाज़ में जोंगकुक से कहता है, लेट्स ईट टुगेदर, जाओ जाकर आयन को जेसी के पास छोड़कर आओ। तैयंग के टोन कोल्ड और कमांडिंग था एंड वेबी लैंग्वेज में कहता है,
डैडी हेल्प मी टू जिप माय पैंट, मम्मा कान डू। तैयंग कहता है, आयान को यहाँ लेकर आओ। जोंगकुक आयान को तेई के पास लेकर आता है। तैयंग आयान को अपने लैप पर बिठाकर जिप बंद करते हुए धीरे से कहता है, डज इट हर्ट? आयान चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, नो डैडी। तैयंग ऊपर जोंगकुक के तरफ देखकर फिर से सेम वर्ड रिपीट करता है, डज इट हर्ट? क्या ये दर्द करता है? जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मुझे इसकी आदत है। गुकी कहती है, जोंगकुक तुम हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना? जोंगकुक स्माइल कर हेड शेक करता है। जोंगकुक आयान को जेसी के पास छोड़कर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। जोंगकुक मन में सोचता है, मैं बुरी तरह से कभी तैयंग के वर्ड को रिजेक्ट ही नहीं कर पाया। मैं तेई से प्यार करता हूँ और उसे छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये पहली बार था कि जोंगकुक तैयंग के बनाया हुआ नाश्ता खा रहा था। गुकी कहती है, जोंगकुक तुम्हें पता है जब तेई ऊपर में साथ में थे तब तैयंग हमेशा मेरे लिए फ्राइड एग बनाया करता था। इसे खाकर देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सुगंधित है। गुकी जोंगकुक के बोल में से एक एग उठाते हुए कहा, फिर एक तैयंग के माउथ के पास लाकर कहती है, तेई तुम भी इसे टेस्ट करो, चलो आ करो। तैयंग विदाउट एनी सेकेंड गुकी के हाथ से एक खा लेता है। जोंगकुक के आंखों से आंसू किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। वो खुद को रोने से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। गुकी कहती है, तेई तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था आज तुम मुझे मूवी दिखाने ले जाओगे। तैयंग एलिगेंटली अपना नाश्ता कंप्लीट किया। ते हमेशा से शांत था और बहुत कम बात करता है। गुकी के बात पर गुस्सा ना करके ते स्माइल करके कहता है, आई एम सॉरी गुकी, आज ऑफिस में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कभी और ओके? ए कहकर तैयंग कुर्सी से उठकर खड़े होकर जिन के तरफ देखकर कहता है, क्या तुम आज भी यही रहने के बारे में सोच रहे हो? इन कहता है, नहीं मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकालने वाला हूँ। जोंगकुक जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। तैयंग क्लोथ चेंज करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। जोंगकुक चॉपस्टिक बॉल में रखकर कुर्सी से उठकर तेई को फॉलो करने लगता है। तैयंग जानता था जोंगकुक उसे फॉलो ज़रूर करेगा। तैयंग इन डिफरेंट टोन में कहता है, व्हाट्स द मैटर? इसके साथ ही तैयंग ने अपने कपड़े ऐसे उतार कर नीचे फेंक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका स्ट्रॉन्ग बॉडी बिना किसी काबर के एयर के सामने खुला था। जोंगकुक तैयंग के शोल्डर पर टैप करता है। तैयंग मिरर के थ्रू जोंगकुक के तरफ देखते ही जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, वो लेडी यहाँ क्यों आई है और वो तुमसे क्या चाहती है? जिन ह्योंग ने कहा अब उसे फीवर नहीं है तो अभी तक वो यह क्या कर रही है? तैयंग कहता है, उसके बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे इन सब बातों से डिस्टर्ब मत करो। जोंगकुक फिर से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, यू आर माई लॉफुल वेडेड हस्बैंड। तुम्हारे नज़रों में उस लेडी के अलावा और किसी की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा क्यों? तैयंग गुस्से में पीछे टर्न कर उसे बेड पर पुश करता है और खुद उसके ऊपर आकर टाइटली एक हाथ से दोनों हाथ होल्ड कर उसके सर के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है। तैयंग के आंखें डार्क हो गया था। तैयंग दांत पीसते हुए कहता है, बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट, तुम डिस्गस्टिंग हो। उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे और मेरी संपत्ति पाने के लिए तुम्हारे तरह घटिया हरकतें नहीं की। बिना जाने किसी के बेड पर पहुंच जाना ये सिर्फ तुम कर सकते हो। तैयंग के टाइट पकड़ने से जोंगकुक को हाथ में दर्द हो रहा था। उसने खुद को छुराने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। अचानक तैयंग के नज़र जोंगकुक के कांपती हुई पिंक लिप्स पर पड़ता है जिसे तेई अपना होश खो देता है और बिना इस बात के परवाह किए जोंगकुक प्रेग्नेंट है उसके तरफ लीन होकर हंग्रीली उसके लिप्स पर किस कर बाइट करने लगता है। जोंगकुक के आंखों से आंसू गिरते देखते तुरंत उसके लिप्स को छोड़कर खुद को उससे दूर कर क्लोथ ठीक करने लगता है। जोंगकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए इशारों में कहता है, तुम्हारे नज़रों में मैं क्या डिजर्व करता हूँ? अगर तुम मुझसे इतना ही नफरत करते हो तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? तैयंग झुककर एक हाथ से
जोंगकुक के जॉ को कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ। दरवाजे के बाहर खड़े होकर गुकी ये सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगती है। काल रात उसके चेहरे पर जो इनोसेंस और क्यूटनेस था, अब वो पूरी तरह से गायब होकर कोल्ड बन गया है। तेयंग के कमरे से निकल जाने के बाद कुकी जोंगकुक के बेडरूम में एंटर करती है। जोंगकुक उसे अपने कमरे में देखकर जल्दी से आंसू वाइप कर इशारों में कहता है, ते यहाँ नहीं है, वो ऑफिस के लिए निकल गया है। ये कहकर जोंगकुक आयान को चेक करने कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी गुकी जोंगकुक के रास्ते में खड़े होकर कोल्ड टोन में कहती है, तुम कब डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हो? गुकी के बात सुनकर जोंगकुक स्टन रह गया। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, आर यू फोर्सिंग मी टू डिवोर्स द यंग एज ए थर्ड पार्टी? गुकी अपने लिए इस तरह के वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुस्से में जोंगकुक के हेयर्स ग्रैब कर लिया और चिल्लाते हुए कहा, यू आर द थर्ड पार्टी। अगर तुमने शेमलेस हरकतें नहीं की होती तो आज इस बिला पर मैं राज कर रही होती और तेयंग के दिल पर भी। गुकी गुस्से में दोनों हाथों से जोंगकुक के हेयर्स खींच रहा था। जोंगकुक दर्द में चिल्ला रहा था, वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पा रहा था। जोंगकुक उसे धक्का दे देता है, जिससे गुकी ग्राउंड पर जाकर गिरती है। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, अगर तुम तेय को डिवोर्स के लिए मना सकते हो तो मैं भी डिवोर्स पेपर्स पर ऑबिडियंटली साइन कर दूंगा। तेय खुद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। मिस गुक, इट्स पिटी के यू आर नॉट मी, ए कहकर जोंगकुक कमरे से जाने लगता है। गुकी हार्डली जोंगकुक को पुल करता है और उसे बेड पर धक्का देकर गिरा कर कहती है, यू आर शेमलेस, तेयंग तुम्हें पसंद नहीं करता और ए मैंने खुद अपने कानों से सुना है, तो उसके साथ रहने का क्या मतलब बनता है? तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? अचानक बेड पर गिरने से जोंगकुक के पेट में दर्द होने लगता है। दर्द में वो बुरी तरह से कांप रहा था।